बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नया इंस्टॉलेशन के बारे में। मैंने पिछली वीडियो बनाई है सी पास का, जो इंस्टॉलेशन मैंने किया था। तो आज हमारे पास नया किट आई है, उसको कहते हैं कंट्रोल, और कंट्रोल है HB1C का। तो हम HB1C का कंट्रोल कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका भी सारा का सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि हम किस तरह मतलब कंट्रोल का इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो मैंने जिस तरह सीपास का इंस्टॉलेशन किया था, तो इस तरह हम कंट्रोल का भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम कंट्रोल का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह आज मैं डिस्कस करूंगा कि हम किस तरह मतलब इंस्टॉलेशन करते हैं कंट्रोल का, ठीक है। अब हम आते हैं QC की तरफ। QC का मतलब ये है कि क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे, आप नज़र आ रही है कि ये है PCC1, PCC2। ये हम हर किट का अपना कंट्रोल होता है, तो ये PCC1, PCC2 हम अलग कंट्रोल यूज़ करते हैं, और जो HB1C के लिए हम कंट्रोल यूज़ करते हैं जो आज हम इंस्टॉलेशन करते हैं HB1C का। तो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक इसका 2 कंट्रोल है, मैंने एक इंस्टॉल किए, आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से इंस्टॉल किया है। लेकिन जो दूसरा कंट्रोल है, तो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये है PCA1N है, और दूसरा जो है PCA1P है, ठीक है। अब मैंने एक तो इंस्टॉल किया है, लेकिन जो दूसरा है, तो मैं आप लोगों के सामने इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि आप लोग भी समझ आ जाएगी कि हम किस तरह मतलब इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। इन दोनों मतलब एक जैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं है कि आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि इन आपने कैसे इंस्टॉल किया है, और पी जो आप इंस्टॉल कर रही है कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। चलो भाई, आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह पेज नज़र आ जाएगी, ठीक है। हम इसमें मैन्युअली ऐड करेंगे कि PCA1N ये सॉरी PCA1P ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसके लिए वर्ड चूज़ करेंगे। आपको डिफरेंट वर्ड नज़र आ रही है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये वर्ड्स डिफरेंट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है ना, ये PCC1 PCC2 के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा यूरिन के लिए, तीसरा CSF, और चौथा जो हम यूज़ करते हैं तो HB1C के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद उसका जो मटेरियल कोड है, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि हम मटेरियल कोड भी हर किट के लिए रखते हैं, ठीक है। इसका जो मटेरियल कोड है 902 है। हम 901 से लेकर 910 तक हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मटेरियल कोड है, ठीक है। और इसमें मैंने 902 इसलिए ऐड किया है कि 901 मैंने N में ऐड किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लॉट नंबर ऐड करेंगे। लॉट नंबर आप के किट का जो डब्बा है इस पर लॉट नंबर मौजूद होगा, तो वहाँ से हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। इसका लॉट नंबर जो है 6422509 01 है, तो हम ये डालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्सपायरी डेट भी डालेंगे, 2024 ये एक्सपायरी डेट है, हम ये भी डालेंगे, और इसका 6 मंथ है, हम ये डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो N है और P है, दोनों एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो वैल्यू है, अभी तो ये वो भी पुट करना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि T मीन है या TSD है, दोनों हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास N और ये दूसरा है जो P है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कंट्रोल है, ठीक है। हम दोनों इंस्टॉल किए, अभी तो हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है कि अब हम वैल्यू डालना है, तो हम वैल्यू कैसे डालेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं वैल्यू की तरफ कि हम किस तरह मतलब वैल्यू डालते हैं, ठीक है।
चलो भाई, मैंने वैल्यू ऐड किया क्योंकि थोड़ी मसाला आई थी, तो इसलिए मैंने पहले ऐड किया, इस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। जब हम नया किट मतलब टीम इंडिया एस डी पुट करते हैं, तो हम इस तरह पुट करते हैं कि एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ तो हमारे लिटरेचर रिव्यू जो इसका जो वैल्यू है, हम यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम अपडेट पे करेंगे। अपडेट करने के बाद ओके क्लिक करेंगे। ओके जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसका जो वैल्यू है वो बहुत बहुत आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ज़रा सोचें कि अगर आप हमारे पिछली वीडियो सी पास का वीडियो देखी है, तो वहाँ भी इस तरह मैंने एडिट किया था, लेकिन आज जो कंट्रोल है मैंने इसमें एडिट किया, ठीक है। अब हमारे पास तो ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आर इफेक्टर का ये पोजीशन ये इसका जो पोजीशन है, हमें अभी इसको ऐड करना है, क्योंकि जब हम कंट्रोल लगते हैं मशीन को तो वो कैसे उठाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशन असाइनमेंट, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको भी पता होगा। तो इसके बाद हमारे पास जो एन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हम नीचे आ जाएंगे, कि क्योंकि हम देखेंगे कि जो उसका पोजीशन है, हम चॉइस करेंगे कि हम कौन सी पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाली ये सारी के सारे नंबर्स है, हम कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये PCC1 PCC2 है, या आर इफेक्टर का जो कंट्रोल है, आर इफेक्टर का जो कंट्रोल है, हम 85 पे 1 रखते हैं, 86 पे रखते हैं, PCC1 जो है हम 87 पे रखते हैं, PCC2 जो है 88 पे रखते हैं। लेकिन अब हम एन को असाइन करना है, ठीक है। मैं 89 पे एन असाइन किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ साथ तो जो पी है, पी हम असाइन करना है, ठीक है। मैं 90 पे मैंने पी असाइन किया, ठीक है। अगर हम मतलब रिमूव करना चाहते हैं, तो पुरानी वाली है तो हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, उस पर नया ऐड करना है तो हम रिमूव करेंगे तो बहुत चली जाएगी, फिर असाइन करेंगे तो असाइन से आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास मैंने पोजीशन भी रखी है कि आप देख सकते हैं कि पोजीशन उसका बी आई है, कि कौन सी पोजीशन पे मैंने रखी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आर इफेक्टर का सॉरी HB1C का लॉट नंबर भी है, और उसका जो नेम है वो भी आई है, और उसका पोजीशन और उसका नाम भी आई है। अभी तो मैंने ये इंस्टॉल किया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आर इफेक्टर हमारे पास भी एक्सपायर हुआ है, लेकिन मैं ये भी इंस्टॉल करूँगा। और ये जो तीन कंट्रोल है, हम एक जैसे सारे के सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और सारे के सबका ये प्रोसीजर है, जिस तरह मैंने HB1C का प्रोसीजर इख्तियार किया है, कि आप लोगों के सामने जिस तरह मैंने वैल्यू ऐड किया है, जिस तरह मैंने इंस्टॉल किया है, जिस तरह उसका लॉट नंबर मैंने ऐड किया है, सारे के सारे प्रोसीजर बिल्कुल एक जैसा है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये बहुत आसान काम है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। लेकिन आप लोग ज़रा गौर से देखिए, क्योंकि अगर आप कल मतलब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वहाँ आपसे पूछेंगे कि हम कंट्रोल कैसे लगाते हैं, या फिर मतलब किस मकसद के लिए हम कंट्रोल करते हैं। तो आप लोगों को भी ये पता होना ज़रूरी है कि हम किस मकसद के लिए कंट्रोल मतलब इंस्टॉल करते हैं। और चलिए भाई, ये हमारे पास जो इंस्टॉलेशन था तो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हम मतलब जिस तरह हम टेस्ट रन करते हैं, तो इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए भी बनाऊंगा, क्योंकि टेस्ट रन करने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इंशाल्लाह ये वो वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अभी तो इजाज़त है, तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। ओके, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।